हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ में प्रोज में आपका फोर्थ चैप्टर कंट्री हुआ है होम कमिंग, जिसमें आपने दो टर्न में पढ़ लिया था और आज थर्ड टर्न आप पढ़ने जा रहे हो। फटिक और माखन की कहानी है। यहाँ पर छोड़ा था मैंने, अब उसके आगे से फटिक वाइप्ड हिज फेस। फटिक ने अपना चेहरा पोछा एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ सडन बर्ज ऑफ अ रिवर। नदी के किनारे बैठ गया एंड बिगन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक टुकड़ा खाने लगा, चबाने लगा। ठीक है, सारे बच्चे भाग गए यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो इंतज़ार करने लगा कि माखन शिकायत लेके जाएगा और माँ उसकी पीटने के लोग को आती होगी, तो ये सोचकर सारे बच्चे भाग गए, वो अकेला रह गया। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग। दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी जो किनारे लगने ही वाली थी। एंड अ मिडिल एज मैन, और एक बीच की उम्र का व्यक्ति, लगभग 40 साल के एज का व्यक्ति, विद ग्रे हेयर, उसके काले और सफ़ेद मिक्स बाल थे, डार्क मुस्टैचेस और गहरी बड़ी बड़ी मूछें थी, स्टेप ऑन शोर, किनारे से आता हुआ दिखाई दिया। ही सौदा ही सौदा बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। उसने देखा एक लड़का बैठा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है, बस बैठा हुआ है नदी के किनारे। आस्क हिम, उससे जाता है, वो उसके पास पूछता है जाके, वेयर द चक्रवर्तीस लिव्ड। चक्रवर्तीस कहाँ रहते हैं? तो ये बच्चों पैसे बॉयज में हो जाएगा, ये जो है डायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा, तो इसीलिए लिव्ड हो जाएगा, इसमें सेकंड फॉर्म लग गई है। तो उसके कहने का मतलब था कहाँ चक्रवर्ती रहते हैं, तो ये पास्ट टेंस में हो जाता है। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग ग्रास। फटिक अब घास खाता ही रहा। एंड सेट, उसने कहा, ओवर देयर, ऐसे ऊपर की तरफ हाथ उठाता और कहता वहाँ। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, परंतु ये पूरी तरह से असंभव था टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, कि कहाँ उसने बताया। ये बहुत मुश्किल था वो दिशा बताना, कि बस उसने ऐसे ही कह दिया शैतानी में। द स्ट्रेंजर आस्क अगेन, उस अजनबी व्यक्ति ने फिर पूछा कि कहाँ रहते हैं। ही स्वंग हिज लेग्स, उसने अपने पैर उठाए, एंड फ्रो ऑन द रिवर साइड ऑन द बर्ज, और दौड़ गया नदी की तरफ कहते हुए, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो। शैतानी में कह के चला गया, जाओ और ढूंढ लो, उसने पता नहीं बताया। एंड कंटिन्यू टू चिक द ग्रास एज बिफोर, और घास पहले की तरह ही खाता रहा, यहाँ भी खाता रहा और आगे बढ़ गया। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, और उसके बाद वो अजनबी चला गया होगा। बच्चों, ये अजनबी जो है वो फटिक और माखन का मामा है। अभी बात यहाँ पे ओपन नहीं हुई, आगे होगी थोड़ी देर के बाद। तो वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक सर्वेंट, एक नौकर नदी पर आता है, एंड टोल्ड फटिक, उसे पता होता फटिक कहाँ मिलेगा, और फटिक को बताता है हिज मदर वॉन्टेड हिम, कि उसकी माँ ने मुझे भेजा है तुझे बुलाने को। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने जाने को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि घर जाके पिटता, तो उसने जाने को मना कर दिया। बट सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेशन, परंतु इस अवसर पर वो उनका जो नौकर था वो मालिक बन गया था। क्यों? क्योंकि बड़े मालिक ने, उसकी माँ ने आदेश दिया था कि उसे पकड़ के लाएगा कैसे भी, तो इस अवसर पर वो उसे और ज़्यादा गंदा व्यवहार करने लगा। ही टुक फटिक अप रफली, उसने फटिक को बहुत बुरी तरह से पकड़ा, एंड करीड हिम, और घसीटता हुआ ले गया, किकिंग, लात मारते हुए भी, स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, बुरी तरह से उसे मारते पीटते और लात मारते हुए ले गया, क्योंकि उसकी माँ ने कह रखा था नौकर से कि जैसे भी हो तू घसीटते हुए लाना, तू खींच के लाना, उसे मारते हुए लाना ज़रूर। तो मौका मिल गया तो उसका फ़ायदा उठा रहा था वो नौकर। वेन फटिक केम इन टू द हाउस, जब फटिक घर में आया, हिज मदर सो हिम, उसकी माँ ने उसे देखा, शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, उसने गुस्से से पुकारा उसे, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, इसीलिए आप माखन को फिर से मारना चाहती हो, माखन को
नहीं, यह तूने माखन को फिर मारा? वो गुस्से से पूछती, तूने माखन को आज फिर मारा? फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली। फटिक ने बिल्कुल लाल ताल मुंह से कहा, नो आई हैव नॉट, हु टोल्ड यू दैट? नहीं, मैंने नहीं मारा, तुम्हें किसने बताया? हिज मदर शाउटेड, डोंट टेल अस लाई, देख झूठ मत बोल, यू हैव, तूने मारा है, मुझे पता है कि तूने ही मारा है। ओके बच्चों, यहीं तक पढ़ते हैं, तूने ही मारा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप इसे अच्छे से कर लेना, बार बार तैयार कर लेना। ओके बच्चों।